अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 अक्टूबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 4 अक्टूबर की आवेदन की स्थिति क्या है इसको हम लोग समझेंगे। जी हाँ, हर दिन हम लोग इस पर डिस्कस क्यों करते हैं आवेदन स्थिति को लेकर। अगर कोई यहाँ पर बदलाव आएगा, कुछ अपडेट्स आएगी, तो वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुँचा पाएंगे। एक दोस्तों, जो नया नियम की बात हो रही है कि 12वीं के छात्रों को मौका मिलेगा, उसका मेन रीज़न आपको बता दें, ऐसा क्यों चाहते हैं कि इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ज़रा समझिए पहले। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो डीएलएड की इस बार हजारों सीटें खाली चली जाएंगी। पिछली बार 70,100 सीटें खाली गई थी लगभग, ठीक है। जब इतनी ज़्यादा सीटें खाली जाती हैं तो कॉलेज का एक बड़ा नुकसान होता है, और एक सीट की कीमत 41,000 रुपये है एक सीट की, या 2 साल की अगर आप कीमत जोड़ दीजिए तो 41 हो गया लगभग 82,000 रुपये। तो इतना बड़ा नुकसान होता है कॉलेज वालों का। तो इसी बेस पर सोचा जा रहा है कि इंटरमीडिएट के छात्रों को भी मौका दे दिया जाए, जो बच्चे मतलब 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपेयरिंग छात्र हैं, सबको मौका दे दिया जाए। ये बातें चल रही हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा होगा तो आने वाले टाइम में भैया बीएड को बहुत तगड़ा झटका लगेगा, फिर बीएड कोई सोचेगा नहीं करने को, समझ रहे ना। जब 12वीं के बाद सीधे आप डीएलएड 2 साल का कोर्स करिए, टीचर वैकेंसी में सम्मिलित हो जाइए, बात ही खत्म। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े और सख्त नियम लगाए जा सकते हैं। जैसे कि पहला नियम ये हो सकता है कि आपकी एज 18 साल वाली, ये दोस्त इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई बच्चा अगर 12वीं पास जब करता है तो उसकी उम्र 18+ तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज वाली बात, 45-50%, और ये तो सभी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आजकल इतने अच्छे नंबर आपके इंटर में मिल जाते हैं कि आराम से आप 50% के ऊपर निकलते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। देखिए, अब यहाँ पर दो बच्चों के कमेंट्स हम आपके सामने रखते हैं। सर, अगर 12th वालों को मौका मिल जाए तो इसमें माता रानी और हाई कोर्ट की बहुत बड़ी कृपा होगी, हमें बहुत नीड है सर इस चीज़ की। और यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आता है कि इंटर के बाद बीटीसी ठीक नहीं होगा, ठीक है। एक बच्चा मतलब चाहता है कि मौका मिले, दूसरा बच्चा चाहता है मौका ना मिले। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। अगला कमेंट, सर 200 की परसेंटेज में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं? देखिए, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हो सकता है आपकी जनरल कैटेगरी में ये मेरिट ना जाए, लेकिन एसटी में चली जाए, फ्रीडम फाइटर में चली जाए, एक्स सर्विस मैन में चली जाए, पीएच कैटेगरी में चली जाए, तो ये आपके किस्मत पर भी डिपेंड्स करेगा। सर, क्या 10th की मार्कशीट में दूसरी बार करेक्शन कर सकते हैं? देखिए, अगर एक बार आपने फॉर्म कंप्लीट फिल कर लिया तो उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा। और कौन सी करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगले कमेंट में देखते हैं। सर, अभी तक कितना आवेदन हो गया है? आवेदन आपका 1,00,000 के पार हो गया, ठीक है, 1,00,000 आवेदन हुआ, एक अच्छी बात लग रही है। इसी वजह से लग रहा न्यूज़पेपर वाले भैया कटिंग्स भी नहीं डाल रहे थे कि 1,00,000 आवेदन हो गया, तो आप चलो कटिंग डालते हैं। देख सकते हैं अभी सिर्फ 1,00,000 आवेदन हुए, लेकिन इसमें तो कोई गारंटी नहीं कि 1,00,000 बच्चे एडमिशन ले ही लेंगे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ की बात भी रख दी गई होगी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो जल्द से जल्द काम करिए, CGPA वाला जो मैटर है उसको कैसे भी करके फॉर्म फिल कर लीजिए, प्राइवेट में आपको दिक्कत नहीं आती उतनी ज़्यादा। परसेंटेज वाला मैटर अगर आपको फंस रहा है तो ये क्लियर करिए, ठीक है। पिछले सालों में भी CGPA में रिजल्ट आता था, ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग का रिजल्ट फर्स्ट टाइम CGPA में आया तो कैसे क्या होगा, एडमिशन होते चले आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का, हम करें 1% भी डाउट है, तो आपके घर के पास यार कितने प्राइवेट कॉलेज होंगे, एक कॉलेज में संपर्क तो करके देखिए, क्यों डरते हैं आप लोग, घर से निकलिए आराम से, क्योंकि आपको 2 साल उसी कॉलेज में पढ़ना है। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, तो आप अब रोजगार के बिल्कुल करीब है। अब आप यहाँ से चाहे नौकरी भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपकी नौकरी लगती है तो आप बैठना थोड़ी नहीं है। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपका हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हो गई है, छोटी सी मिस्टेक बाद में आपको बहुत दिक्कत करेगी, ठीक है, तो एक छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जितना जल्दी आपका फॉर्म हो सके उसको फिल करिए। अगर आपका पैसा अपडेट नहीं हुआ, पैसा आपने पेमेंट कर दिया कट गया लेकिन वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो आपको रीपेमेंट की तरफ तुरंत जाना चाहिए, मतलब होना होता अपडेट तो तुरंत हो जाता। देखिए, मैक्सिमम केसेस में तुरंत ही वहाँ शो कर जाएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपके पेमेंट गेटवे में कोई दिक्कत है, उस वजह से दिक्कतें आती हैं, तो इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डोमिसाइल में या तो आप यूपी डालेंगे या अदर देन यूपी, लेकिन इसका भी कोई बड़ा असर इस बार देखने को दोस्तों नहीं मिला,
या अदर स्टेट के छात्रों को मौका भी मिला उसके बाद भी आवेदन उतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं हो पाए, समझ रहे हैं आप लोग? उसका रीजन आपको बताएं, इन्होंने भैया आवेदन कब से शुरू किया जरा देखिए यहाँ पर डेट क्लियर है, 18 सितंबर से। जो इंपॉर्टेंट महीना होता है जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में इन्होंने सोचा भी नहीं। मतलब सितंबर में भी वो तो हम लोग एक उम्मीद पर थे कि फॉर्म आएगा इस साल। हमने आपको क्लियर बताया था कि फॉर्म ना आने का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, तो फॉर्म आएगा ही आएगा। तो मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके थे, अब वो बच्चे डीएलएड की तरफ नहीं आना चाहते। अब कोई बच्चा होता ना कहीं पर एडमिशन ले लिया, सोचता चलो वही करें, कौन डीएलएड करें, तो वही बात है। इसलिए इस साल इतने आवेदन कम आपको दिख रहे हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज में। छोड़िए आपसे क्या मतलब, आवेदन चाहे कितने भी कम हो लेकिन आपको सरकारी सीट मिल सकती है मात्र 10,200 रुपये में। 1 साल की फीस रहेगी जिसमें से 2,500 रुपये, जी हाँ दोस्तों, 2,500 रुपये जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा डीएलएड, तो उसमें से आपका 2,500 रुपये रिफंड भी आएगा। तो ये भी आपको फायदा होगा डायरेक्ट में, प्राइवेट में कुछ पैसा नहीं देते वापस, ठीक है। तो 12वीं पास छात्रों के लिए खुशखबरी जरूर है, क्योंकि अगर सीटें खाली जाएंगी, कोर्ट का आदेश भी है, तो चांस बन सकता है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज वाले भी आ जाएंगे। भैया जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो पीएनपी पर जोर डाला जाएगा ना, जब आदेश हो चुका है हाई कोर्ट का, आप क्यों नहीं दे रहे हैं एडमिशन? क्यों बच्चों, मतलब कॉलेज का नुकसान होगा, जो वहाँ के टीचर होंगे उनकी सैलरी कैसे आएगी? मतलब अगर किसी कॉलेज की सीट ही नहीं भरती है तो कॉलेज वाले अपने शिक्षक को सैलरी कहाँ से देंगे, समझिए इन सब बातों को, ठीक है। तो डीएलएड एडमिशन का प्रोसेस क्या है, जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है अब उनको क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए वेट करेंगे। अभी आप लोग का जब लास्ट डेट निकल जाएगा तो स्टेट रैंक आपकी जारी होगी, स्टेट रैंक के हिसाब से ही आगे का प्रोसेस होगा, क्योंकि अब स्टेट रैंक आपकी अच्छी आनी जरूरी है, क्योंकि स्टेट रैंक के हिसाब से ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, नहीं तो आप काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये भी तो मामला आपका फंसेगा ना। बाकी ध्यान दीजिएगा, जो भी अपडेट आएगी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है, हर एक कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं फाइनल के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए भैया एक बात याद रखिएगा, आवेदन कितने ही कम क्यों ना है लेकिन डायट कॉलेज के भैया कट ऑफ कभी कम नहीं जाती, ठीक है। वहां पर बच्चे आएंगे, डायट कॉलेज में बच्चे आएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है उसको अच्छे से तैयार रखिएगा। ग्रेजुएशन में प्रोविजनल आप निकलवा सकते हैं फिलहाल के लिए भी, ठीक है, इतना निकलवा के रख रहिएगा। उसके बाद आपका जहाँ से ग्रेजुएशन का रखा है, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट दोस्तों आप सीएमओ ऑफिस से बनवा लेते हैं, ठीक है। अभी इसको मत बनवाइएगा, डाइट के केस में ही अगर मांगा जाए तो ही बनवाइएगा, ठीक है। बाकी आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली हैं, तो सब कुछ समय से बनवा के रखे रहेंगे तो सही है। और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपके अगर 9 अक्टूबर के पहले ही बन जाए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आवेदन करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से बच के रहिए, आप लोग के कमेंट का हम आंतर करते रहेंगे। फिलहाल 12वीं पास छात्रों को मौका मिलने के आसार बन रहे हैं, अगर सीटें नहीं भरती हैं तो उनको एडमिशन देकर सीटें फुल की जा सकती हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।